ओए मुझे तो अब लगा लो भैया मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आपने देख लिया है गांव में जो ये है ना, जहाँ जाना हो और जहाँ से आना हो, रास्ते में ये कुत्ते हैं ना जो ये जान नहीं छोड़ते। तो अभी हम आए डेरे पे, मैंने सोचा कि यार सर्दी का सीज़न है तो डेरे से मूलियाँ वगैरह और शलजम जो है उतारते हैं और जाकर पराठा वगैरह खाते हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, शबनम बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो अभी उतारते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी तो आप ऐसे हैं ना, थोड़ी देर बाद फुल ऐसे ही हो जाने हैं। तो अभी जी ये देख सकते हैं उतारी हैं किसी ने, क्योंकि ये उस्ताद जी का डेरा है, यहाँ पर कोई भी शागिर्द आके अपनी मर्जी से चीज लेके जा सकता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। तो जी बिस्मिल्लाह, टूट भी सकती है ना, इसलिए ऐसा ऐसा क्या बात। देखो ना, किसी ने उतारने की कोशिश की है और पत्ते टूट गए हैं तो उसने छोड़ दिए। तो मिल तो ये यार वैसे दुकान से भी जाती हैं, लेकिन जो आपने हाथ से लगाई चीज का मजा ना, वो किसी का भी नहीं, क्योंकि गांव में तो हर तरफ साफ पानी मिलता है और जो शहर से आते हैं ना, वो तो शहर के जो गंदे नाले का पानी आता है ना, वो लगाते हैं। तो इसलिए कोशिश करा करें कि जो सब्जी वगैरह या कोई ऐसी चीजें हैं वो गांव के लेनी चाहिए। ये देखो ना, किसी ने तोड़ी है तो वैसे इसे इधर छोड़ गया इस जगह पर। तो जी हमें सिर्फ इतनी की जरूरत है, क्योंकि इससे ज्यादा उतारने में कोई मसला तो नहीं है, लेकिन जाया करने से अच्छा है कि कोई और भी ले जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जैसे उस्ताद अल्लाह पाक हर एक को, लेकिन शागिर्द के अंदर होना चाहिए कि उस्ताद उसके साथ क्या तावन कर सकता है। और उस्ताद का दिल यही होता है कि शागिर्द अच्छा हो तो उस्ताद के साथ तावन बहुत अच्छा रखते हैं। तो लेकिन माशाल्लाह अपने उस्ताद की तो मिसाल ही नहीं है यार। तो चलते हैं, बस हमें तो इतनी सी ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि वीडियो शीडियो बनाते हैं। पत्ते ना, मेरा ख्याल है इस यहाँ पर उतारने बेहतर है, क्योंकि जब जानवरों के लिए चारा काटा जाएगा तो उसके अंदर ये भी चला जाएगा, हमने तो वैसे फेंकना ही है। अभी ये सो रहा था और हमने जानबूझ के शोर ज्यादा किया कि भाग कर आए, तो बेचारे को सर्दी लेनी शुरू हो गई। बदला लिया। अगे हम तो स्कूल से जा रहे हैं। अभी ये देखिए मूली वगैरह हमने धो के कुछ इसमें से छील ली है और कुछ वैसे ही है। तो अभी हम इसे खा रहे हैं ये कद्दू भाई, जिसे कि पंजाबी मार में कहते हैं ये मूली गंडा। देखा जी, गरम मसाला, नमक, दही, हल्दी, दड़ मिर्ची, सब को कर लेंगे मिक्स। तो ये जी अभी ये मसाला वगैरह हमने मिक्स कर लिया है। तो अभी ये रही रोटी, तो रोटी के अंदर रख के अभी ऊपर घी लगाएंगे। मुझे तो लगता है ये खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती होगी। क्या बात है जी, माशाल्लाह, चेक करें आप। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे परांठे हो चुके हैं रेडी। तो अभी भाई दाल ने तो आना नहीं है, तो ये अभी मैं ये स्टार्ट करता हूँ ये गर्मा गर्म। इधर दिखाओ भाई बदर, और साथ में दही के साथ तो मज़ा ही आता है ना यार। तो जी मैं हो चुका हूँ लेट, क्योंकि मैं नीचे बाइक दो रहा था, तो मेरे आते आते बिलाल पहलवान ने शुरू कर ली है।
तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो जो मैंने खानी है वो अभी तैयार हो रही है। ये देखें जी, अपना रथ आ चुका है। तो अभी दही और मैं साथ में मलाई भी ले लेता हूँ, जो दूध की होती है ना ऊपर वाली, वो शुरू करते हैं। मजेदार मजेदार आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अफजाल भाई को दें इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज।